उसके बाद जी ये देखें, फिर से मुझे किसी ने ये गिफ्ट किया था, ये मुझसे टूट गया था, मैंने संभाल के रख लिया, मैंने, मेरा दिल नहीं करता किसी को चीज़ फेंकने को। उसके बाद ये देखें जी, मेरा उनका पेन, ये सारा कुछ मैंने खुद रेडी किया था और मेरे में काफ़ी इन थे, तो मैंने अपना पेन, एक एक चीज़ इसकी मैंने खुद बनाई है, इसका बॉक्स भी मैंने खुद रेडी किया था। और ये देखें जी कितना हसीन है, अब थोड़ा ख़राब हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं, संभाल के रख लेते हैं। अगेन कुछ बैंगल्स हैं, आई लव बैंगल्स, मुझे बहुत अच्छी दिखती हैं। कांच की चूड़ियाँ हैं मेरे पास काफ़ी सारी, लेकिन मैं पहनती बहुत कम हूँ। उसके बाद जी ये बिंदी है, अभी दोनों मैंने इंगेजमेंट पे पहनी थी, ये दो बार हुई थी, दो बार से मतलब है कि एक बार हम गए थे, एक बार वो आए थे, तो ये भी एक अलग स्टोरी है, ये मैं वीडियो को भी बनाऊँगी दोबारा। सो ये बैग की कुछ चीज़ें टूटी हुई थी, ये मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और उसके बाद ये अगेन बैंगल्स मैंने कलेक्ट किए हैं, इसको बाद में हम देखेंगे। और फिर जना बारी आती है ये कैचेस की, ये मतलब कि आप ले तो लेते हो, लेकिन मदर इन लॉ ने शादी के लेके रखे हुए हैं, कोई 10 थे मेरे ख्याल से, उन्होंने बड़े शौक से ही लिए थे, लेकिन ये मेरे से पहने इतने नहीं गए शादी पे ही कभी कभार, वरना नॉर्मली ये इतने नहीं पहने जाते। ये वो घड़ियाँ हैं जो शादी से पहले मैं मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे, ये मैंने एक ही जगह पर ला के रखी हुई हैं क्योंकि पहनी तो जाती थी। और ये कुछ टॉयज़ थे किंडर जॉय के, ये भी मैंने संभाल के रखे हुए थे, मुझे याद भी नहीं है, बड़े क्यूट से मुझे लगते थे। तो कभी कभी आप चीज़ें कहाँ रख देते हो, और जब आप साफ़ करने बैठते हो तो उसमें कितना कुछ निकलता है, देखने में ऐसे लगता है कुछ भी नहीं आई। और जी ये पेंडेंट मुझे जी मेरे अली जी ने गिफ्ट किया था, तो ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद जनाब बारी आती है मेरी फ्रेंड के गिफ्ट की, ब्रेसलेट, ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, इसलिए जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे उसकी याद आती है। गिफ्ट हमेशा किसी को वो देना चाहिए जो कोई देखे तो उसको आपकी याद आए। उसके बाद ही जनाब इसको हमने अच्छे से साफ़ किया और फिर इसमें चीज़ें रखना शुरू की साफ़ करके, और ये वाला बॉक्स जो है हम बाद में इसके ऊपर रख देंगे, और जो साइड पे स्पेस बनेगी वहाँ पे जो हमारा नीचे ज्वेलरी बॉक्स दूसरा पड़ा है उसमें से भी चीज़ें सेटल करके हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। और जी जनाब ये है मेरी डेली यूज़ की जो कुछ कलेक्शन है, ये वो है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती रहती हूँ, तो इसमें से जो बड़े हैं उनको हम सेपरेट कर देंगे, वो मैं यूजुअली इतनी नहीं पहनती, और स्मॉल जो हैं वो मैंने एक बॉक्स निकाला है उसमें रख देंगे। ये जी जनाब इसको हमने रख दिया है इनके अंदर चीज़ों को, और बाकी की चीज़ें हमने एक छोटे बॉक्स में रख दी हैं, एंड वी आर डन। पहले ये कुछ ऐसा दिख रहा था, और ठीक करने के बाद जनाब ये ऐसा दिख रहा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर, ताकि आप तक मेरी वीडियोज़ पहुँचती रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।